वेलकम बैक टू माय डिजिटल फ्लेम। तो शुरू करते हैं अपना व्लॉग और आज मैं दिखाने वाला हूं आप सबको कि जिसके बाल बिल्कुल झड़ गए हैं या उनको समय से पहले ही बहुत ज्यादा बाल गंजे हो गए हैं या बाढ़ने से या कुछ भी इनको ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, ये वीडियो उनके लिए है। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहते, उतने पैसे नहीं खर्च करना चाहते या आपको सर्जरी से डर लगता है तो हेयर पीआरपी आप करवा सकते हैं। इसमें दर्द बिल्कुल नहीं होता है, जैसा कि इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि पेशेंट को बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है और सेफ है, अच्छा है, इफेक्टिव है। और रिजल्ट की अगर बात करें तो आप इस चीज को खुद ही मालूम कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ है, इसके साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। हेयर पीआरपी एक बहुत ही बढ़िया और अच्छा थेरेपी है। तो बिना देरी करते हुए इसके स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसीजर को समझते हैं, क्या सही है क्या गलत है। अगर आपको इस वीडियो में देखने में कुछ भी ऐसा लगता है तो प्लीज मेरे को कमेंट के थ्रू आप मेरे को बोल सकते हैं कि किस प्रोसेस को क्या बोलते हैं क्या नहीं है, तो मैं सारी चीजों को जितना जल्दी हो उतनी जल्दी आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो बिना देरी करते हुए हम इस वीडियो को आगे ले चलते हैं और आपको हम सब चीज दिखाते हैं। तो चलिए किनके में दूसरे से तो बहुत बाल डैंड्रफ है, नहीं दो दिन छोड़ के
पहले इससे और कम थे बाल इनके, क्यों भैया पहले और कम थे, अब तो रेसे आ गए आगे तक। दस बारह दिन में, दस बारह दिन में एक ही बार वो तो तीन बार कर दिए भैया, तो बड़ा तीन बार सेट कर दिए। मेरे से तो ठीक ही है, अपनी दिन में तेल हो जाए। नहीं दस बारह दिन में कहाँ होगा तेल ली, बता नहीं। तीन सेक्शन बोल रहा है ना भैया, तीन सेक्शन, तीन सेक्शन में तो भैया ने बोल दिया तब हो जाएगा। सवर रखो, सवर पड़ेगा। ये देखो रूसी निकलती है ना, ये रूसी है, इनको नहीं दिया शैम्पू। ठीक है ये ना बोल दिया तब वही जाएगा, जैसे तो सही है रियल भैया, जैसे हो जाएगा तब खत्म हो जाएगा, आपके भी हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, अगर कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ, और थैंक यू सो मच अगर इतना प्यार आपने बनाए रखा, क्योंकि जो भी आज के डेट में मेरे यूट्यूब से जो भी अगर बेनिफिट की बात करें या आपका जो प्यार मैं देख रहा हूँ, थैंक यू सो मच सच में, क्योंकि मैं सोचा नहीं था कि इतने लंबे समय तक वीडियो बना पाऊंगा, बिकॉज ये सिर्फ मैं आपके लिए बनाए, एक्चुअली आप देखते नहीं तो मैं बनाता नहीं डेफिनेटली, तो थैंक यू सो मच अगर आपने जो यहां तक हमको लाने के लिए। तो मिलते हैं फिर किसी नए अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक ख्याल रखिए, बाय।